नमस्कार कन्या राशि के मित्रों, मैं लेके आया हूँ आपका मंथली राशिफल और नवंबर महीना और आपकी राशि क्या है, आपकी राशि में इस नवंबर के महीने में, उसके बारे में चर्चा करूँगा आज। और पहले बता दूँ कि इस समय जो खास इस महीने की बात रहेगी वो होगी आपका करियर, आपका प्रोफेशन, आपकी जॉब, आपका बिजनेस। और इस पूरे महीने में आप नई ऊँचाइयों को छुएंगे, नई तरक्की, नई प्रमोशन और पे राइज जैसी स्थितियां जो है इस समय आपको मिलने वाली हैं। ये महीना आपके लिए विशेष तौर पे लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आपके लिए इस समय में संतान, आपकी संतान को अगर आप परेशान हैं और आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा अवसर आपके बच्चों को जॉब का और उनकी जॉब में तरक्की का बना हुआ है। तो संतान माध्यम से भी आपको लाभ की स्थिति है। लेकिन हाँ, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन्हें थोड़ा ध्यान देना होगा भाई, आपकी सेहत आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकती है, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक कार्य करें। इस समय में विशेष तौर पे पे राइज यानी कि आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको बोनस मिल सकता है, ये आपके लिए एक अच्छी बात है। आपके धन की वृद्धि इस बोनस से, इस पे राइज से बढ़ती हुई बनती हुई दिखाई दे रही है, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। धन किसे नहीं चाहिए भाई, धन से ही तो हम अच्छी अच्छी चीज़ों को ले सकते हैं। और अगर ये आपको मिलता है और आप कामयाब हो जाते हैं, तो आप अपने घर की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है। नई बिजनेस डील आपको मिल सकती है जिसमें आपको निसंकोच आगे बढ़ना चाहिए। वो लोग जो राजसी या सरकारी तौर पे किसी झगड़े में हैं या किसी तरह की कोई उन्हें लगता है कि हमें उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे, तो मैं कहूँगा कि जी हाँ, जिन्होंने किस तरह का कोई क्लेम कर रखा है और मसला उनका जो है वो कोर्ट में है, तो आपको सफलता मिलती हुई दिखा रही है। और अगर आपने कोई बेनिफिट क्लेम कर रखा है तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब है कि ये पूरे का पूरा महीना जो है नवंबर का, वो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है, बहुत बेहतरीन। इस समय के दौरान जो सबसे बड़ी बात है कि आपकी कुंडली, आपकी राशि से सूर्य जो है वो सेकेंड हाउस में है, डिवेलिटेटेड होके बैठे हुए, तो ये एक हल्की सी एक चिंता जरूर है, लेकिन यह चिंता के बादल जल्दी छट जाएंगे और इस पूरे महीने का आप पूरी अच्छी तरह से लाभ ले पाएंगे, आनंद ले पाएंगे। सेहत का ध्यान रखें और आगे बढ़ें। एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये जो कहावत है हम जो कहते हैं अक्सर कर, वो आपके ऊपर बिल्कुल लागू हो रही है इस समय, इसका पूर्ण प्रयोग करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, ये वीडियो आपने आपको पसंद आई है, तो इसे लाइक करना ना भूलें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर को बताना ना भूलें, वो भी इस चैनल के माध्यम से अपनी राशि के बारे में जान सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट आपकी राशि के बारे में लेकर हाजिर होऊंगा दिसंबर महीने के राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।